हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ एजुबी एक्स गर्ल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। देखिए बच्चों, डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, कोई फॉर्मूला लगा के करंट तो नहीं सकते। हम क्या कर सकते हैं, इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। तो करिए बच्चों, इसको रेशनल सिमेट्रिक बोलते हैं बच्चों। तो 1 माइनस साइन एक्स डिनोमीटर में क्या जाएगा बच्चों, 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स मिल जाएगा हमको। देखिए डिनोमीटर में क्या बन रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी का a प्लस बी a माइनस बी बन रहा है। तो देखिए बच्चों, फॉर्मूला लग के क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है बच्चों, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है बच्चों कोस स्क्वायर एक्स। तो हम क्या करेंगे, कोस स्क्वायर एक्स लिख लेंगे बच्चों। फर्दर हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन कोस स्क्वायर क्या मिल जाएगा बच्चों, sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। और फिर हम इसको इंडिविजुअल भी कर लेंगे तो साइन एक्स अपॉन कोस एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, टेन एक्स। और 1 अपॉन कोस एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, सेक एक्स हो जाएगा। फर्दर देखिए बच्चों, sec स्क्वायर एक्स का क्या होता है बच्चों, टेन एक्स होता है। और टेन एक्स sec एक्स का क्या हो जाएगा बच्चों, sec एक्स होता है। तो फाइनल आंसर हमको क्या मिल जाएगा, टेन एक्स माइनस sec एक्स प्लस सी मिल जाएगा। थैंक यू बच्चों।